गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों, आज फिर से आपका अपना कैप्टन वीर एक और बहादुर फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी की कहानी लेकर आया है। तो चलो मैं हम सबके फेवरेट सुभाष चंद्र बोस की कहानी से आप सबको परिचित यानी फेमिलियर करवाता हूँ। सुभाष चंद्र बोस में गजब की लीडरशिप क्वालिटी थी, इसीलिए उन्हें नेताजी भी कहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों, नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था, जो पहले के बंगाल प्रेसिडेंसी और आज के ओडिशा में है। उनके पिता श्री जानकीनाथ बोस बहुत ही जाने माने लॉयर यानी वकील थे, और सुभाष बाबू खुद भी पढ़ाई में बहुत ही इंटेलिजेंट थे। वो 10th क्लास में पूरी यूनिवर्सिटी में सेकेंड टॉपर थे, और उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहां चले गए, जहां उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान उन्होंने वहां अपने ब्रिटिश प्रोफेसर्स को इंडियन और ब्रिटिश स्टूडेंट्स के बीच भेदभाव करते हुए देखा। इस बारे में उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल जेम्स से बात की, लेकिन उन्होंने देखा कि इस बात के खिलाफ किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो फिर वो अपने साथियों के साथ मिलकर स्ट्राइक पे चले गए, और स्ट्राइक पर तब तक डटे रहे जब तक उनके प्रोफेसर्स ने स्टूडेंट से माफी नहीं मांग ली। देखा बच्चों कैसे उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई, और यहीं से उनकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ने लगी। सुभाष बाबू के पिता चाहते थे कि वो सिविल सर्विस में जाएं, इसीलिए वो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे, और उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी की और कड़ी मेहनत से एग्जाम भी पास कर लिया। फिर उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप चाहते थे कि मैं इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम पास करूं, तो लीजिए मैंने ऐसा कर लिया है, लेकिन मेरा मन ब्रिटिश सरकार की नौकरी करने का नहीं है, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। सुभाष बाबू के पिता ने बेटे को इसकी परमिशन दे दी, और इस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक रेप्यूटेड पोस्ट की जॉब को ठोकर मारी और अपने देश की सेवा करने की राह पर चल पड़े। उन्होंने अपने जीवन में बहुत समाज सेवा यानी सोशल सर्विस भी की, जिसकी वजह से वो आम जनता के बीच काफी पॉपुलर हो गए। गांधी जी को तो सब जानते हैं ना, हमारे बापू। उनकी हेल्प के लिए सुभाष उनके पास गए, और गांधी जी ने उन्हें समझाया कि वो देश बंधु चित्तरंजन दास से मिले, जो कि कलकत्ता के प्रसिद्ध यानी पॉपुलर नेता थे। चित्तरंजन दास सुभाष बाबू से इतने इंप्रेस्ड हो गए कि उन्हें नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की तरह ठंडे स्वभाव के नहीं थे, उन्हें लगता था कि ये सरकार कभी प्यार से नहीं समझ पाएगी। उन्होंने ब्रिटिशर्स का जम के विरोध किया, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अंग्रेजी सरकार उनसे इतना घबराने लगी कि किसी न किसी बहाने से उन्हें जेल में ही कैद रखने लगी। जेल में रहने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, और सरकार ने शर्त रखी कि उन्हें जेल से रिहा यानी रिलीज करने के बदले उन्हें देश छोड़कर जाना होगा। पर यह शर्त सुभाष को मंजूर नहीं थी, तो मजबूरन सरकार को उन्हें रिहा ही करना पड़ा। 1929 में जब देश अंग्रेजों से पूरी तरह आजादी की मांग कर रहा था, तब उन्होंने आंदोलन शुरू करने का प्लान किया, और उनकी एक पुकार पे पूरा बंगाल उनके साथ खड़ा हो गया, जिसे देखकर सरकार ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसमें सुभाष को काफी चोट भी आई। उनको काफी दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। ठीक होने के बाद वो यूरोप चले गए, और घूम घूम कर वहां उन्होंने लोगों को बताया कि भारत किन मुश्किलों से गुजर रहा है। ब्रिटिश सरकार तो उन्हें इंडिया वापस आने की परमिशन ही नहीं दे रही थी। उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया, पर फिर भी उनका कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं हुआ। यस सर, आई विल बी राइट देयर। बच्चों, टेक अ स्मॉल ब्रेक।